हमारे साथ बोकारो के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राजेश पाठक हैं। ये बीते 19 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। इन्होंने 16 साल पतंजलि और बीते 3 वर्षों से शुद्धि में कार्यरत है। आइए सर से करते हैं बातचीत और जानते हैं कि अक्सर लोगों में अंडे के पीले भाग को लेकर कई सारे असमंजस और भ्रांतियां रहती हैं। तो आइए सर से जानते हैं इसके स्वास्थ्य से जुड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी। मेरा नाम डॉक्टर राजेश, मैं बोकारो से हूँ। ये लोगों का जो धारणा है योर्क के बारे में, पीलापन जो होता है, वो मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, अंडा जो है उसको पोषण के लिए पावर हाउस माना गया है। उसे प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और वो मतलब योर्क जो होता है वो इनडाइजेशन, तो कुछ लोगों में देखे हैं योर्क जो होता है पीला वाला भाग खाने से लोगों को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, और क्योंकि उसमें कुछ वैसे फैट्स वगैरह हैं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, आपका किसी भी तरह का हार्ट डिजीज बढ़ने में मदद करता है वो। तो खास कर जिनका मतलब आपका हार्ट डिजीज है, वो लोग तो पीला वाला पार्ट खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगा ही। और एक बड़ा अंडा में करीब करीब 186 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए पीला वाला पार्ट नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। और जहाँ तक लोग खासकर जो मोटे लोग होते हैं, ओबेस पेशेंट जो होते हैं, जिनको ये रहता है कि नहीं हमको पतला होना है, तो लोग तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें वसा चर्बी भी है, तो वसा फैट होने के कारण वो हेल्थ ये को प्रॉब्लम करता है। और उसका भी एक मात्रा है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 2 अंडा आप डेली ले सकते हैं, खासकर ठंडे के टाइम में। गर्मियों में नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बहुत ज़रूरत है, 1 अंडा काफ़ी है। और ये लोगों का जो मत है कि वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो वो आपका इम्यूनिटी पावर पे वेरी करता है, आपका जो स्टोमक का जो कैपेसिटी है उस पे डिपेंड करता है। हालांकि देखिए, अंडा है बहुत अच्छा चीज़, उसमें आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई का रिच सोर्स है, इसलिए मेरे हिसाब से अंडा खाना चाहिए और योल्ट भी खाना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मतलब अगर आपका इरिटेबल प्रॉब्लम हो रहा है पेट में, तो आप पीला निकाल के खाइए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ है, अंडा में आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस का मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए ज़रूर ही खाना चाहिए। उससे क्या है कि आपका जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगे, बोन मजबूत रहेगा, आपके जो टीथ हैं वो भी मजबूत रहेंगे, इसलिए अंडा का सेवन ज़रूरी है, ज़रूर करें। धन्यवाद।